किसान भाइयों नमस्कार। मैं सोमवीर सिंह, आपका दोस्त। क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ किसानों की समस्याएं बताना चाहता हूं। किसान भाइयों नमस्कार। आज 10 मार्च 2019 के दैनिक जागरण में ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तहत लिखा गया है, कृषि विकास के नए आयाम। इसमें नीचे लिखा है नई पहल, इसमें अलग अलग बात दी है। इसमें एक दी है किसान क्रेडिट कार्ड के तहत समय पर ऋण के भुगतान पर 3 लाख रुपए की सीमा तक किसानों को 4% के ब्याज दर पर ऋण। आपने जो लिखा है 3 लाख तक समय पर देने पर 4% ऋण, मोदी जी आपने नहीं किया है तो बहुत दिन से चला रहा है। हमारा पिछली सरकार से है क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, आज तक इसमें कोई रद्दबदल नहीं हुई है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं खुद किसान हूँ, मेरा खुद का 3 लाख का क्रेडिट कार्ड है। और सच बात ये भी है, किसानों को ये ऋण क्रेडिट कार्ड ही बर्बाद करेगा, यही ले डूबेगा। आपने लिखा है ऋण के समय पर ऋण के भुगतान पर 3 लाख की सीमा तक किसानों को 4% के ब्याज दर पर ऋण। समय पर भुगतान कौन किसान कर देगा? हजार में एक दो ही ऐसा है जो कर सकता है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सच बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। कई साल से गन्ने की दुर्गति हो रही है, समय पे पेमेंट नहीं मिलता। 3 लाख किसान लेकर कोई तो लड़की की शादी में लगा दे, कुछ अपने घर मकान बना ले, फसल में नहीं लगाता, उलट पुलट में लगा के वो सारा पैसा खर्च हो जा, और वो एक मुश्त किसान पे नहीं दिया जाता। दिक्कत यह है, मान लिया अभी तो किसानों को ये पता नहीं इसका टाइम क्या है। हम सोचते हैं 31 मार्च तक होना चाहिए, लेकिन नहीं, गलत। बैंक वाले कहते हैं अगर आपने अक्टूबर में क्रेडिट कार्ड बनवाया है तो अक्टूबर में ही आपको जमा करना होगा, तब आपको लाभ मिलेगा। किसी ने दिसंबर में बनवा लिया, बनवा तो लिया, हिसाब नहीं लगाया, तो दिसंबर तक ही वो जमा करना पड़ेगा, वरना उसमें 11% साथ जो फुल लगाते हैं 11% जी, वो ठुक जाएगा। अगर कोई जागरूक किसान सोचता है भाई मैं सारे इकट्ठे समय पे जमा कर दूं, या तो ऐसे करते हैं एक समूह बना लेते हैं, भाई 1 लाख तू दे 1 लाख वो देगा, आपस में इकट्ठा करके पहले मैंने जमा कर दिया फिर दूसरा जमा कर दिया, इस तरह बारी बारी से ब्याज कटवा दें, इस तरह करते हैं। लेकिन हर किसान एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता। दिक्कत ही आती है, कई बार ऐसा होता है आदमी साहूकार से किसी का जुगाड़ो 2 रुपये सैकड़ा पे मिल जा, किसी का नाव कम हो 3 रुपये, 5 रुपये सैकड़ा तक, इससे आगे तो मैं नहीं बताता, 5 रुपये सैकड़ा तक हमने खुद लिया है ब्याज पे पैसा, आज जमा करो, एक दिन रोको, तीसरे दिन निकाल लो। लेकिन ब्याज वाला जो है अपना पैसे का ब्याज पूरा 1 महीने का लेता है। मान लिया हमने 3 लाख किसी से उठा लिए अपनी जान बचाने के लिए, तो 15,000 रुपये वो 3 दिन में कमा लेगा, चाहे हम 3 दिन में दे दें उसे, चाहे पूरे महीने में दें, तो 15,000 वहाँ चले गए, 3 × 3 = 12, 12 वो चला गया, तो वही 10-11% फिर भी पड़ गया। एक समस्या हो रहा है मोदी जी, चलो ये तो देखा जाएगा, आप इसकी एक सीमा बंधवा दो, क्योंकि दिक्कत क्या है, ना किसी किसान ने ये मुद्दा उठाया, ना कोई नेता ने, तो खैर बन तो आगे पहुंच जावे तो फिर आते ही नहीं किसानों के पास। दिक्कत ये है जी, अगर मान लिया मेरा केसीसी है, हर साल जमा करने की समस्या खत्म होनी चाहिए, ये मान लिया 7 साल का
समय हो या 5 साल का हो, तो ऐसा हो मान लिया आज हमने बनवा लिया, 5 साल तक हम इसका हर साल समय पे ब्याज जमा कर दे तो हम पे 4% ब्याज लगना चाहिए, और 5वीं साल में हम समय पे एक पर एक मुश्त सारा जमा कर दें ब्याज सहित, फिर उसे रिन्यूअल करा लें। प्लीज आप ऐसा करा दीजिए, वरना किसान बर्बाद हो जाएगा, लूट रहा है किसान। आपके लोग आपको बहका देते हैं कि साहब बड़ा अच्छा हो रहा, लेकिन नहीं, किसान की समस्या, किसान का दर्द मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता देना चाहता हूं। आपके किसान की वैसी पैदावार घट गई, किसान वैसे डूब गया। मोदी जी, किसान पे क्रेडिट कार्ड नहीं जमा हो पा रहा कुछ, अब ये जो पिछली बार आपने लालच दे दिया माफी का, अब इंतजार कर रहे हैं कि राहुल करवा होगा, फलाना करवा होगा। इस चक्कर में किसान जमा नहीं कर पा रहे, ना तो है किसान के पास, ना जमा कर रहा, ना दाएं बाएं से लेकर कर रहा, और तकड़ा ब्याज चढ़ेगा उस पर। और इलेक्शन के बाद में बैंक वाले अपना डंडा घुमाओगे, आधे किसान की जमीन नीलाम होगी, ये तहसील में केस पहुंच जाएंगे, तहसील वाले लगा दें 10%। जब अमीन आवे ना, वो भयभीत इतना कर दे किसान को, 10-20 हज़ार रुपये वो ले ले, भाई कैसे भी कर 10 दिन में जमा कर दे, 10 हज़ार मुझे पकड़ा दे। तो किसान बेचारा 10% तो तहसील वाले को देवे और अमीन को दे दे, मजबूरी में फिर इंगे तिंगे से ठाकर जमीन गिरवी धर के या 1-2 बीघा बेच कर या उलट पुलट करके उसे वो जमा करना पड़ता है। अब से 5 साल पहले भी किसान के यही हालात थे केसीसी के बारे में, लेकिन किसान केसीसी के कारण बौखला गया था, और जब इलेक्शन आए तो किसान ने सोच लिया कि अब हम इस सरकार को नहीं रखेंगे, इसने किसान का कोई भला नहीं किया। आपके नेताओं ने कुछ जनता में एक ऐसी लहर सी आई, ये कहा गया कि राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि किसानों के केसीसी हमारी सरकार आई तो ब्याज मुक्त किए जाएंगे, और ये हर साल पलटी मारने का चक्कर ख़त्म होकर 5 साल में एक बार पलटी मारी जाएगी, हम सब खुश हो गए। उन्होंने कहा भाई राजनाथ जी हमारा दुख दूर करेंगे, लेकिन आज वही बात है, कुछ नहीं है। मोदी जी मैं सच कह रहा हूँ, हमने आपको वोट दी थी, आज भी हमें याद है, संजीव बालियान जीते हमारे, और आगे भी शायद हम आपको ही देंगे, क्योंकि आपसे अच्छा कोई नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये गलत है, किसान का हुआ नहीं कुछ भी, या तो अब कर दीजिए समय हो, नहीं हो तो आप आने के बाद जरूर करें कि 5 साल में एक बार केसीसी को पलटी किसान देगा, क्योंकि हर साल उस पर इकट्ठा पैसा नहीं होता 3 लाख रुपए, 5 साल में तो यो है तुझ मुझसे इकट्ठा करके कर लेगा काम, अपना जो भी छूट मिले ठाक है उतना ब्याज जमा कर दे। मेरे 2 लड़के हैं, दोनों ग्रेजुएट हैं, 5 साल से मैं बैंक में कई बार जा लिया फाइल बनवाने के लिए, मैनेजर यूं बहका दे अरे यार कुछ नहीं है, सरकार तो कही दे है, मोदी जी के कहने से क्या हो रहा, लोन पोन कुछ नहीं होने का, ना आपकी प्रोजेक्ट फाइल मिलने की, ना आपको लोन दिया जाएगा, सिर्फ क्रेडिट कार्ड बनेगा आपका या ट्रैक्टर पर लोन मिलेगा, इससे अलग कोई फाइल किसानों के नहीं बनाई जाएगी। हमारी तो आज तक बनी नहीं जी, बाकी किसी की बन गई हो तो हम कहते नहीं। तो माननीय मोदी जी, मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि मैं खुद भुक्त भोगी हूँ, इसको हर साल समय की जो समय पर भुगतान करने वाली जो लाइन है इसे ख़त्म करो, क्योंकि समय पर कैसे किसान जमा कर देगा, किसान का कोई समय ना तो किसान को मिल रहा समय पे जो किसान दे। तो इससे यह है जी, इसकी समय बांध दो, 5 साल की या 7 साल की एक सीमा कर दो, कि किसान का जो केसीसी है 5 साल तक जमा नहीं करेगा, सिर्फ समय पे ब्याज जमा कर दो, ब्याज ब्याज तो उसे 4% का मतलब ऋण लगेगा उस पे। और जब लास्ट वाली साल आवे ना, उस साल जो है लास्ट वाले टाइम पे पूरा पैसा ब्याज सहित जमा कर दो उसे, फिर चाहे वो दोबारा केसीसी बनावे बैंक वाले या उसी को रिन्यूअल करके दोबारा दे दो। तो इस तरह तो किसान हिम्मत कर सकता है, वरना किसान तो बर्बाद हुआ पड़ा जी। सरकार किसी की भी आ जा, किसान का कुछ नहीं हो रहा बिल्कुल भी, सब ये कागजी बात चल रही है जी। जो आपने ये कहा ना कि हमने ये किया, आपने नहीं किया जी, मोदी जी मैं साफ कह रहा हूँ, ये तो पहले से चला रहा, मेरा क्रेडिट कार्ड कम से कम
10 साल से बन रहा जी। पहले गोल्ड कार्ड था वो भी ऐसे ही था, अब केसीसी बन गया है। तो ये ऐसे फजीते होते आ रहे जी हमारे तो हर बार। तो किसान भाइयों, क्या आपको मेरी बात अच्छी लगी? किसान भाइयों, जो मैंने कहा कि आपको मेरी बात अच्छी लगी, अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक यार दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि ये बात मोदी जी तक पहुंच सके। नमस्कार। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो जरूर कमेंट करें, मेरी गलती बताएं, मैं अपनी गलती सुधारूंगा।